दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा, उमेश यादव को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथियों, जिस भारतीय खिलाड़ी ने अपने बेहतरीन प्रदर्शन से टीम इंडिया की डूबती नैया को पार लगाने में निभाई अहम भूमिका, उसी खिलाड़ी को कप्तान रोहित शर्मा ने भरे मैदान पर और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में किया बेइज्जत। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के इस हरकत से भारतीय क्रिकेट फैंस ने रोहित शर्मा को लेकर जमकर नाराजगी दिखाई है। तो दोस्तों, आखिरकार क्यों कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जिन्होंने अपने बल्ले से और अपने गेंद से टीम इंडिया के तीसरे टेस्ट मैच में लाज बचाई, जिसकी वजह से अभी भी टीम इंडिया तीसरे टेस्ट मैच में बरकरार है। दिखाएंगे उसका पूरा वीडियो, मगर उससे पहले आपको क्या लगता है, मोहम्मद शमी और उमेश यादव में कौन है बेहतर तेज गेंदबाज? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। साथियों, तीसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारतीय टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा, सुमन गिल इस उम्मीद से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान में आए कि ऑस्ट्रेलियाई टीम को आराम से तीसरे टेस्ट मैच में हराकर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में अपना स्थान पक्का कर दें। लेकिन दोस्तों, इस चार टेस्ट मैच की सीरीज में पहली बार ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी फॉर्म में दिखे। ऑस्ट्रेलियाई टीम के घातक गेंदबाज के सामने भारतीय टीम का ऊपरी क्रम और मिडल ऑर्डर ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। भारतीय टीम की मिडल ऑर्डर और ऊपरी क्रम की बल्लेबाजी ऑस्ट्रेलियाई टीम के घातक स्पिन गेंदबाज मैथुन को नेमन के जाल में ऐसी फंसी कि लग रहा था कि भारतीय टीम 100 रन का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाएगी। लेकिन इसी बीच 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अपने बल्लेबाजी से ऐसा कारनामा दिखाया कि जिसे देखकर भारतीय टीम के कप्तान के साथ साथ कोच राहुल द्रविड़ ने ड्रेसिंग रूम में खड़े होकर उमेश यादव का अभिनंदन किया। साथियों, जहां एक समय भारतीय टीम की बल्लेबाजी इंदौर के मैदान पर संघर्ष करती हुई नजर आ रही थी, भारतीय टीम के बल्लेबाज बाउंड्री की बात तो छोड़ दो, एक रन के लिए भी तरस रहे थे, तो वही भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कंगारू टीम के खिलाड़ियों की नानी दादी याद दिला दी। उमेश यादव ने अपनी बल्लेबाजी के दौरान टेस्ट मैच को पूरी तरह से T20 बनाकर रख दी। उमेश यादव ने अपने बल्ले से ऐसे गगनचुंबी छक्के लगाए जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान के होश उड़ गए। उमेश यादव के इस विस्फोटक पारी के बदौलत भारतीय टीम ने 100 रन का आंकड़ा पार किया। भारतीय टीम के बल्लेबाजी समाप्त होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे मुश्किल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम के सामने पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा करेगी, जहां ऑस्ट्रेलियाई टीम की 4 विकेट के नुकसान पर 140 रन बनाकर खेल रही थी। समय भारतीय टीम 33 रनों से आगे थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम के बल्लेबाज को देखकर ऐसा लग रहा था कि इंदौर के मुश्किल भरी पिच पर ऑस्ट्रेलियाई टीम भारतीय टीम को बड़ा लक्ष्य देगी। लेकिन उसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव पर भरोसा जताया। उमेश यादव ने कप्तान रोहित शर्मा के भरोसे को कायम रखा और अपनी जबरदस्त गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई टीम के गेंदबाज को ऐसा पेला जिसके बाद तीसरे दिन बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ रही थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ताश के पत्तों की तरह उमेश यादव के गेंद पर बिखर गई। चलिए बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या किया उमेश यादव ने जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने अपना आपा खोया और उमेश यादव की जमकर क्लास लगाई। दरअसल, जब ऑस्ट्रेलियाई टीम के बेहतरीन बल्लेबाज कैमरून ग्रीन मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे थे तो इसी बीच तीसरे दिन पहली बार गेंदबाजी के लिए आए उमेश यादव की पहली गेंद कैमरून ग्रीन के पैड में जाकर टकरा गई, जिसके बाद विकेट कीपर KS भारत ने अपील किया कि तुम इस अपील को कंफर्म कर लो। जब कप्तान रोहित शर्मा ने उमेश यादव से पूछा कि रिबुल लिया जाए, तो उमेश यादव ने कप्तान रोहित शर्मा को मना कर दिया, क्योंकि दूसरे दिन के मैच में रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम के तीनों रिव्यू अकेले ही गवा दिए थे। लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने उमेश यादव के मना करने के बाद भी रिव्यू लिया अंपायर से, जिसका परिणाम यह हुआ कि बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहे कैमरून ग्रीन को करार दिया गया, जिसके बाद कप्तान रोहित शर्मा ने उमेश यादव को जमकर खरी खोटी सुनाई। हालांकि उसके बाद भी कप्तान रोहित शर्मा ने उमेश यादव पर भरोसा जताया और उन्हें लगातार 5 ओवर गेंदबाजी कराई, जिसका परिणाम यह हुआ कि ऑस्ट्रेलियाई टीम 157 रन पर ऑल आउट हो गई। उमेश यादव ने अपने 5 ओवर के स्पेल में ऑस्ट्रेलियाई टीम के तीन प्रमुख बल्लेबाजों को आउट करके पवेलियन का रास्ता दिखाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है, कप्तान रोहित शर्मा को अपने खिलाड़ियों के प्रति अपने स्वभाव में परिवर्तन लाना चाहिए कि नहीं? वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए।